तो स्वागत है आप सभी का विनायक स्टूडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक मॉनिटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आजकल सभी को मॉनिटर की ज़रूरत पड़ रही है, किसी की क्लास है, किसी का ऑफिस है, तो मैंने भी एक मॉनिटर ले लिया है। मैंने जो मॉनिटर लिया है वो है LG का 24 इंच का 24MP88HV। आज के इस वीडियो में मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा और उसका एक शॉर्ट टर्म रिव्यू दूंगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो।
तो सबसे पहले मैं आपको इस मॉनिटर की जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में बता देता हूँ। तो जो इस मॉनिटर का पैनल है वो एक IPS पैनल है जिसकी रेजोल्यूशन फुल HD रेजोल्यूशन है 1920x1080p और जो इसका रिफ्रेश रेट है वो 60Hz का है और जो रिस्पांस टाइम है 5 मिलीसेकंड्स का है। और अभी तक मैंने जितना भी इस पैनल को यूज़ किया है, इस मॉनिटर को यूज़ किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका एक्सपीरियंस और कलर्स बहुत अच्छे से निखर के आ रहे थे, मुझे कोई कमी नहीं लगी। और इसमें इस मॉनिटर में एक और फीचर है, वो है कि ये ब्लैक को स्टेबलाइज कर देता है। इसमें एक ब्लैक स्टेबलाइजर मोड है जो कि गेम्स वगैरह में बहुत अच्छे से काम आ सकता है, क्योंकि वो डार्क एरियाज़ को थोड़ा लाइट करके दिखा देता है। उससे अगर कोई एनिमी वहाँ छुपी है तो आप देख सकते हैं उसे। अभी तो मेरे पास ऐसा हार्डवेयर नहीं है कि गेम्स खेल सकूं, लेकिन मैंने एक लैपटॉप ऑर्डर किया है, वो जल्दी आने वाला है, तो उस पर मैं आपको इसका गेमिंग रिव्यू भी दूँ। और इस मॉनिटर की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें आपको इनबिल्ट स्पीकर मिल जाता है। इसमें 10W के 2 स्पीकर्स लगे हुए हैं और एक सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस देता है आपको। मुझे जो इसके स्पीकर्स थे वो पहले तो ऐसा लग रहा था कि वॉल्यूम बहुत कम है, लेकिन उस समय मॉनिटर की जो वॉल्यूम थी वो सिर्फ 30 पे थी और जब मतलब 100 पे होती है तो बहुत ही ज़्यादा लाउड हो जाता है। इसकी जो साउंड है बहुत ही लाउड हो जाती है, तो लाउडनेस में तो मुझे कोई कमी नहीं लगी। और जो साउंड क्लैरिटी थी वो भी अच्छी थी, लेकिन अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा ऑडियो इंटेंसिव काम करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है तो आप एक एक्सटर्नल साउंड बार ले सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मुझे लगा कि जो एवरेज आदमी है उसको ठीक ठाक सा लगेगा इसका साउंड एक्सपीरियंस, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो इस मॉनिटर का स्टैंड है वो बहुत ही मतलब फ्लिमजी सा है, इसका एक डाउनसाइड जैसा है। अगर इस मॉनिटर को ऐसे हिलाऊं, ऐसे हिलता ही रहता है, टेढ़ा हो जाता है ये, फिर इसको फिर से अलाइन करके ठीक करना पड़ता है। तो इसका स्टैंड वो बहुत ज़्यादा स्टर्डी नहीं है, लेकिन मतलब स्टैंड को टाइटेनियम का बना के क्या करेंगे। अब इसके पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें 2 HDMI पोर्ट्स हैं, एक VGA पोर्ट है, एक ऑडियो इन है और एक ऑडियो आउट है। तो 2 HDMI होने का बहुत फ़ायदा है, आप 2 डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं और जो मॉनिटर का इनपुट है उसको स्विच करके अपने दोनों डिवाइसेस में से जो आपको यूज़ करना है कर सकते हैं। वैसे इसमें पिक्चर इन पिक्चर मोड भी है, मतलब आधी आधी स्क्रीन दोनों के लिए। जो मेरा मेन रीज़न था इस मॉनिटर को लेने का, वो रीज़न था कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेजललेस है, और सिर्फ 3 साइड बेजललेस नहीं है, 4 साइड बेजललेस है, जो कि कमाल की बात है, क्योंकि मुझे बहुत बेजललेस सा ही मॉनिटर चाहिए था जिसमें बेजल वेजल ना हो। और मैंने इसको गेमिंग के लिए नहीं लिया है, मैं उतनी गेमिंग नहीं करता हूँ, कैजुअल गेमर हूँ, उतना मतलब फुल टाइम हार्डकोर गेमर नहीं हूँ, इसलिए कभी कभी गेम्स खेलता हूँ। तो मैंने इसको मेनली गेमिंग के लिए नहीं लिया था, ऐसे ही प्रोडक्टिविटी के लिए ज़्यादा लिया था, वीडियो एडिटिंग वगैरह और बाकी कामों के लिए, गेमिंग को कंसिडर करके नहीं लिया था। और अगर आपको सिर्फ गेम्स खेलने हैं तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ये, क्योंकि इसी प्राइस में आपको ज़्यादा रिफ्रेश रेट वाले मॉनिटर्स भी मिल जाएंगे।
तो अगर आपको सिर्फ गेमिंग के लिए चाहिए, आपका मेन पर्पस गेमिंग ही है, तो आप दूसरा मॉनिटर ले सकते हैं। लेकिन अभी मैंने इसको पूरी तरीके से गेमिंग के लिए टेस्ट नहीं किया है, तो हो सकता है कि मतलब ये मेरा ओपिनियन बदल जाए। मैं इसका फुल रिव्यू भी दूंगा, ये मेरा फर्स्ट मतलब थोड़े दिन यूज़ करने का शॉर्ट टर्म रिव्यू है। मैं इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी डालूंगा जिसमें मैं हर चीज़ को एकदम डिटेल में कवर करूंगा। और इस मॉनिटर की एक और अच्छी बात यह है कि आपको इसमें 99% sRGB का स्पेक्ट्रम देखने को मिल जाता है, जो कि फोटो एडिटर्स और वीडियो एडिटर्स दोनों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कलर्स बहुत एक्यूरेटली दिखेंगे आपको, और कलर्स याद आया, ये फैक्ट्री कलर कैलिब्रेटेड है, लेकिन आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं जैसे आप दूसरे मॉनिटर्स के साथ भी कर सकते हैं। और सेटिंग्स चेंज करने के लिए आपको एक जॉयस्टिक जैसी कुछ चीज़ देखने को मिलती है। इसमें ज़्यादा बटन्स हैं, सिर्फ एक ही बटन है, उसी से सब कुछ आपका कंट्रोल होता है। और एक और अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कहीं पे भी ऐसे बहुत बोल्ड सी LG की ब्रांडिंग नहीं है। जो इसका मेन फ्रेम है उस पर तो बिल्कुल भी ब्रांडिंग नहीं है LG की, लेकिन जो इसका स्टैंड है उस पर थोड़ी सी ब्रांडिंग है, बस एक जगह LG लिखा हुआ है। और अगर आपको इसका पीछे का पैनल दिखाऊं तो ये बहुत ही अच्छा है, मतलब इसमें पूरा वाइट कलर का पीछे लुक है, और इसमें आपको वेसा माउंट भी मिलता है, तो आप इसको दीवार पे भी माउंट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। और इसका एक और फीचर ये है कि ये एक मैट फिनिश वाला मॉनिटर है, मतलब इसमें वो ग्लॉसी कलर, जो मॉनिटर का सरफेस है वो ग्लॉसी नहीं है, वो मैट सरफेस है एंटी ग्लेयर वाला, तो इसके सामने जितनी भी ब्राइट लाइट डालें बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं आता, एकदम मिनिमल रहता है, अच्छा ही है। वो ग्लॉसी मॉनिटर से बहुत अच्छा भी दिखता है, इसका लुक भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप इस मतलब अपना अगर आप अपनी उंगलियां इस मॉनिटर के जो इसका जो डिस्प्ले है उस पर रखते हैं तो आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। जब मैंने इसे लिया था तो ये बहुत ही अच्छा मिनिमलिस्टिक सा लुक दे रहा था, इसीलिए मैंने इसको लिया था, और जब ये आ गया तब भी वैसा ही लुक दे रहा है जैसा एक्सपेक्टेड था। बहुत ही अच्छा क्लासी और मिनिमलिस्टिक सा लुक है इसका, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। मैं इसका एक फुल रिव्यू भी ज़रूर डालूंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, उसमें मैं आपको थोड़ी सी गेमिंग भी दिखाऊंगा। तो अभी के लिए तो मेरे फर्स्ट थॉट्स इतने ही थे, जो जो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया, लेकिन फुल रिव्यू में मैं और डिटेल में बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, बाय।